हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटॉप पर। मैं इस फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो देख लिया होगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ प्राप्त हो रही है। 23 मई की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, मंडी पर्षद परीक्षा और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा जो कि 30 और 31 मई को आयोजित होने वाली है दोस्तों, उसके परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर और परीक्षा के होने के और न होने को लेकर। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कहीं पर वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी तरीके से ऑथेंटिक रूप से मैं जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है दोस्तों, और आपको नोट्स बनाने में आलस आता है या नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, तो एल बुक पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है जिसकी पेजेस की संख्या 475 दोस्तों, और इस बुक में आपको 4000+ क्वेश्चन आंसर मिला है, 1000+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिला है, सॉल्यूशन विद ट्रिक एंड हिंट्स मिला है, आपको रीजनिंग और मैथ के शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन के फ्री 20 मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ एल्बू पब्लिकेशन यहाँ पर दावा करता है, गारंटी देता है, अपने कवर पेज पे ही लिख रखा है इन्होंने 30% कॉमन क्वेश्चन की गारंटी ये दे रहे हैं कि हमारे इस नोट से आपके एग्जाम हॉल एग्जाम पेपर में 30% क्वेश्चन हमारे नोट से फंसने वाले हैं दोस्तों। और इस बुक की कीमत बहुत कम रखी गई है ताकि सभी छात्र खरीद सकें दोस्तों, जो कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो इस नोट्स के माध्यम से अपना रेलवे में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। इस बुक की कीमत सिर्फ 35 रुपीज़ रखी गई दोस्तों, अभी इस बुक ऑफर में चल रहा है, जल्दी से इस बुक को परचेज कर ली। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में बुक अवेलेबल है, आप इजीली इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको नहीं पता कैसे परचेज करना है तो हाउ टू बाई का लिंक चेक करें, वहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, यहां पर वीडियो के टॉपिक ये है कि मंडी पर्षद परीक्षा और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की तिथि तो घोषित हो गई, ऑफिशियल तौर पर नोटिस जारी करके बता दिया गया कि 30 और 31 मई को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन हम सबको सभी को पता है कि इस यूपी ट्रिपल एससी 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर देता है, हम लोग पूरी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी जो एडमिट कार्ड है वो 20 मई को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन आज दोस्तों 23 मई हो चुका है, लेकिन एडमिट कार्ड का भी कुछ भी पता नहीं है, ना ही कोई नोटिस जारी किया गया है परीक्षा को स्थगित करने के संबंध में, और ना ही एडमिट कार्ड के संबंध में कोई जानकारी यहां पर प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था वो था एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का, जो कि 19 तारीख को हुआ था, शायद मार्च या फेब में हुआ था, ये याद नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन 19 तारीख को हुआ था एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का। उसका एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 दिन पहले आया था दोस्तों, ठीक है, 10 दिन पहले नहीं, 3 दिन पहले जारी किया गया था, और अभी एग्ज़ाम में 1 हफ्ते बचे हुए हैं। मैं पूरी तरीके से आपसे दावा दे करता हूं कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो परीक्षा के 3 से 4 दिन पहले आपका आ जाएगा। आप लोग एडमिट कार्ड पर बिल्कुल ध्यान न दें कि एडमिट कार्ड नहीं आया है, परीक्षा स्थगित तो नहीं हो जाएगी, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की। आप, मैं परीक्षा की तैयारी भी करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, घटना चक्रे टो सीरीज से दोस्तों, पंडित पर्षद वालों को आप हमारे चैनल पर जाएं, डेली समय से होता है, आप लोग शेड्यूल भी देख सकते हैं, वीडियो में दिखाया मैंने शेड्यूल भी लगा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे 7 से 8 प्रैक्टिस मैंने करवा दी, उस पर फोकस करें दोस्तों और परीक्षा की तैयारी करें। इन सब बातों पर बिल्कुल न गौर करें कि परीक्षा स्थगित हो जाएगी, अब एडमिट कार्ड नहीं आया तो एग्जाम नहीं होगा। अब आप अपना जो भी समय बचा है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाइए दोस्तों, अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन पहले आ जाएगा, और उसके बाद नहीं आता फिर इसके बारे में चिंता का विषय बनता है, अब इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप परीक्षा पे ध्यान दे दोस्तों, ठीक है। तो यही सारी जानकारी थी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जो हम तैयारी कराते हैं प्रैक्टिस सेट, तो उसके नीचे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर तैयारी तो करा रहे हैं कि एडमिट कार्ड जारी ही नहीं हुआ है। तो दोस्तों जब आपका ऑफिशियल तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया डेट, एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि 30-31 मई को होगा, वही डेट रखा गया यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 30-31 मई को ही आयोजित हो रहा है, और ऑफिशियल तौर पर जब ये नोटिस जारी कर दिया गया तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, परीक्षा से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आसानी से आप निकाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। एडमिट कार्ड जैसे आता है ऑफिशियल तौर पे मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी का भी फॉर्म डाल रखे होंगे, बहुत से छात्र मंडी पर्षद जूनियर असिस्टेंट का भी डाल रखे होंगे, तो वो छात्र जो जूनियर असिस्टेंट मंडी पर्षद तैयारी करें वो बुक इसको जल्दी से खरीद लें इस बुक को, क्योंकि आपके बुक में जो आपका एग्जाम का सिलेबस है वो भी जीएस और मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा, तो आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी हेल्प इस बुक से मिल सकती है आपको, नोट्स है आपका, मॉक टेस्ट जो दिया गया 20 इसको भी सॉल्व कर लें तो आपको मंडी पर्षद भी निकल जाएगा, सबसे एनटीपीसी और ग्रुप डी के आगे एग्जाम में तो हेल्प करेगा। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जल्दी से जाकर परचेज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आप लोग प्रैक्टिस से जरूर सॉल्व करें, हमारे चैनल पे जाकर घटना तक के टो सीरीज से।